रूपा जी, गेहूं पर देख रहे हैं कितने सारे फैसले आ चुके हैं, सरकार भी सतर्क है। पहले एक्सपोर्ट ज्यादा किया, फिर बैन लगा दिया, बीच में थोड़ी सी राहत भी दी एक्सपोर्ट में, कुछ कम मात्रा में गेहूं का निर्यात भी शुरू हुआ, लेकिन जो देशों से भारत का गेहूं को वापस भेज दिया गया उसकी वजह से फिर से बैन लग गया। लेकिन रूपा जी देख रहे हैं कि जो विदेश हैं वो भारत से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि भारत जो अपने गेहूं का एक्सपोर्ट है फिर से चालू करे, निर्यात चालू हो, और जो देश हैं बाकी के वो लगातार विचार बातचीत भी कर रहे हैं, बार बार गेहूं को ऑर्डर्स भी दे रहे हैं भारत को। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब अगर थोड़ा बहुत सरकार निर्यात चालू कर देती है तो क्या इससे गेहूं की कीमतों में तेजी आएगी? क्योंकि एक बार हमने पहले भी देखा था कि निर्यात चालू होने से पहले और उसके दौरान भी गेहूं के जो दाम थे वो ज्यादा तेज देखने को मिले थे। देखिए, अभी जो सिनेरियो बना हुआ है और इसी बीच जो अभी गेहूं को लेकर, बैन को लेकर जो बात खबरें चल रही है, डेफिनेटली एक्सपोर्ट को लेकर अभी सरकार से ये कहा जा रहा है कि इसके एक्सपोर्ट को खोल दिया जाए ताकि दूसरे देशों के अंदर जहां पर गेहूं की कमी है या डिमांड निकल रही है वहां पर इसकी पूर्ति की जा सके। और अभी ऐसा एक्सपेक्ट भी है कि हो सकता है कि गेहूं का एक्सपोर्ट जो है वो खोल दिया जाए, क्योंकि भारत से गेहूं की डिमांड डेफिनेटली अरब साइड से निकलती हुई दिखाई दे रही है और 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो लगातार डिमांड कर रही हैं और वो उनको भारत का गेहूं चाहिए, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यूएई हो गया, ओमान, यमन, इन सबसे गेहूं की डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है। और अभी हो सकता है कि सरकार आगे चलकर गेहूं की जो है एक्सपोर्ट को खोल दे, क्योंकि बांग्लादेश को अभी गेहूं की बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई दे रही है और वो ज्यादातर आयात पर ही डिपेंड करते हैं और हमारे यहाँ पर गेहूं की क्रॉप पर अच्छी खासी है। इनफैक्ट हर साल ही अच्छा होता है, हल्का कि इस बार प्रोडक्शन में मामूली सी गिरावट जरूर बताई गई है लेकिन कोई बहुत ज्यादा गिरावट अभी है नहीं। तो मेरे हिसाब से गेहूं की कीमतें बनी रह सकती हैं तेजी की तरफ और कीमतों में बहुत ज्यादा फिलहाल डाउनसाइड नहीं है, अभी सस्टेन कर रहा है मार्केट। लेकिन अगर एक्सपोर्ट एक बार फिर से खुल जाते हैं तो डेफिनेटली भारतीय गेहूं की कीमतें जो है वो तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि काफी जगहों से डिमांड निकल रही है और अगर निर्यात मांग निकलती है तो प्राइजेस को पूछ पाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि गेहूं की कीमतें तेज जा सकती है। जी,